हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रीति के घरेलू नुस्खे और प्रीति गैलरी में वेलकम है। तो मैं इसमें आपको कुछ बताऊंगी, क्वेश्चन और उसके आंसर भी बताऊंगी। तो इसमें जो हेलो डॉक्टर है, तो घर बैठे निःशुल्क डॉक्टरी से जुड़ी लाइफलाइन के तहत विभिन्न राज्यों में पाठकों ने कान नाक गले से जुड़े सवाल भेजे हैं और उनके जवाब भी दिए हैं। तो कान की नसें कमज़ोर होने से सीटी जैसे आवाज़ आ सकती है। मेरे बाएं कान में सीटी जैसी आवाज़ आती है, कई बार बातें भी कम सुनाई देती हैं। कान के नीचे वाले हिस्से को दबाने से आवाज़ बंद हो जाती है। जवाब है इसका, कान में सीटी जैसी आवाज़ आने की समस्या को टीनाइटिस कहते हैं। अधिक उम्र में कानों की नसें में कमजोरी से इस तरह की दिक्कत होती हैं। ये कान से जुड़े अन्य रोगों का लक्षण भी हो सकता है। हालांकि अधिकतर मामलों में गंभीर कारण नहीं होते हैं, लेकिन इसमें लापरवाही नहीं बरतें, तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। इसमें MRI ऑडियोमेट्रिक जांच की ज़रूरत हो सकती है। हेल्दी डाइट लें, तनाव चिंता से दूर रहें। सवाल नंबर दो साल से मेरी आवाज़ बदल गई है, बोलने में बहुत जोर लगाना पड़ता है, ज़्यादा बोलने पर सीने में दर्द हो जाता है। तो उसका आंसर है, स्वतंत्र में दो वोकल कार्ड होते हैं, इनमें तकलीफ में आवाज़ बदल जाती है। तेज बोलने से, चिल्लाने से इनमें सूजन या दाने जैसे वोकल नोड्यूल बन जाते हैं। धूम्रपान में आवाज़ बदल जाती है, ये कैंसर का लक्षण भी हो सकता है। एसिडिटी के कारण भी ऐसा होता है, इसलिए खूब पानी पिए, ज़्यादा तला बुला खाने से परहेज करें, समय से डॉक्टर को दिखा दें। थर्ड सवाल है आपका, मुझे 15 दिन में गले में दर्द रहता है, कुछ निगलने पर दर्द होता है। तो जवाब, गले में दर्द और सूखी खांसी के कारण कई कारण हो सकते हैं। वायरस संक्रमण के कुछ दिन बाद तक यह समस्या रह सकती है। एलर्जी, एसिडिटी व गले में सूखापन भी इसकी वजह हो सकती है। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, दिन में 2-3 बार भाप लें, आराम न मिलने पर डॉक्टर को दिखाएं, ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। लास्ट है मेरा सवाल, मेरे पापा को किसी चीज़ में गंध नहीं आती है। जवाब है, गंध ना आना एनोस्पिया का कहलाता है, ऐसे कई कारणों से हो सकता है। कोरोना संक्रमण के बाद कुछ लोगों में 6 महीने तक यह दिक्कत रहती है। अन्य कारणों से एलर्जी, जुकाम, साइनस, नाक के अंदर सूजन या पॉलिप बनना, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, चोट लगना आदि, तो डॉक्टर को दिखाएं, दूरबीन जांच के कारण आपको पता चल जाता है। धूल, धुआं व ठंड से बचें। तो आज मैंने कुछ हेल्थ टिप्स दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ आऊँगी। तो आप मेरा देखते रहिए चैनल प्रीति के नुस्खे और प्रीति गैलरी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।